रही है। आप लंबे समय से सुन रहे होंगे, रोज अखबारों में भी आता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी सब बोलते हैं ईआरसीपी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट के बारे में आप सबने सुना होगा, सब लगातार इसके ऊपर बात करते हैं। जो 2017 में बना, जिसे 2023 में पूरा हो जाना था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस प्रोजेक्ट में अब तक एक कील भी नहीं लगाई गई है। 2017 में जब ये प्रोजेक्ट बना था, इसके 5 चरण थे। पहला चरण 2017 से 2021 का था, दूसरा चरण 2021 से 2022 का था, तीसरा चरण 2022 से 2023 का था, और इसमें अलवर जिला दूसरे चरण में था, यानी कि जो साल गया है। अगर ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हो जाता तो 2022 में अलवर को पानी मिल जा रहा था, तो लेकिन अभी तक इसमें कील भी नहीं लगी। 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, आज ये प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ का हो गया, क्योंकि 7 सालों से सरकारों ने इसके ऊपर कोई सुधी नहीं ली। भाई निश्चित है, आप सब जिम्मेदार हो, जो चीज 2017 में 40 रुपए की थी, उसका रेट आज बढ़कर 60-70 रुपए तो हो ही गया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर और भरतपुर दो जिलों के साथ तो जो सबसे बड़ा शोषण इसमें हुआ है, इसमें शोषण ये हुआ है कि जब 2017 में जो तब की सरकारें थी, जो जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें अलवर जिले का जो जैसमंद डैम जोड़ा गया, और जैसमंद डैम से सारे का सारा पानी डीएमआईसी इंडस्ट्री को दे दिया गया। अब डीएमआईसी इंडस्ट्री क्या है, मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आपके यहाँ पर रिंको बगड़ में आ गई, रसगढ़ में आ गई, मुबारकपुर और अपना ये किशनगढ़ के बीच में आ रही है, और जितनी भी जगह अलवर में रिको लाई जा रही है और भरतपुर में रिको लाई जा रही है, उनके लिए पानी प्रस्तावित किया गया है। यानी अलवर जिले को सिर्फ पीने के लिए पानी, और उसके बाद रिको के लिए पानी, और उसकी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि वो पानी जैसमंद डैम से, अब मान लो कि जैसे जो भाव क्षेत्र है, जैसमंद डैम के बाद जो भाव क्षेत्र है, वहां पर रिको दी जा रही है, और उस पानी को भी अंडरग्राउंड, यानी कि जैसमंद डैम से अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो सीधा इंडस्ट्री जोन में खुलेगी, सिर्फ इंडस्ट्रीज को पानी दिया जाएगा, खेती बाड़ी वालों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो आप सब ये बताओ कि आप सब जिम्मेदार हो कि आपको पानी चाहिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। भाई सारे नेता सारे वोट लेने वक्त आके कह देते हैं चंबल का पानी आएगा, लेकिन आएगा कब? तो इसीलिए जो हमारी सबसे पहले जो हमारी मांग है, इसमें दो सरकारों का रोल है, 90% इसमें राज्य सरकार का हिस्सा है और 90% केंद्र सरकार का हिस्सा है। लेकिन हम केंद्र सरकार से तब मांगे जब हमारे नदी नाले जुड़े, तो हमारी सबसे पहले राज्य सरकार से ये मांग है। तो 2017 में जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के डीपीआर बनी थी, उस डीपीआर में संशोधन करके जो हमारे पुराने नदी नाले हैं उन सबको जोड़ा जाए, ताकि फिर हम सेंटर सरकार से लड़े और सेंटर सरकार इसको फंड देकर, जिसने 90% फंड इसको सेंटर सरकार ने देना है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ था ये 10-90 पर हुआ था, 10% राज्य सरकार का, 90% केंद्र सरकार का। हालांकि इसमें राज्य सरकार ने पिछले बजट में भी राशि दी, इस बजट में भी राशि दी, लेकिन हमारी एक मांग है कि हमारी नदी नाले बांध जो हमारे हैं वो जोड़े जाए, और जो अगर रह जाता है क्षेत्र, उसमें जो नए नदी नाली, जो नए नदी नाले बनेंगे, उनको भी दुरुस्त कराया जाए, ताकि आखिरी जिम्मेदार के आखिरी खेत तक पानी पहुंच सके। तो हमारी आज पुरजोर तरीके से यही मांग है कि मुख्यमंत्री जी हमारी डीपीआर को संशोधन करें। जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक हम सेंटर सरकार से नहीं लड़ सकते। तो जिस दिन हमको मुख्यमंत्री जी, जो राज्य सरकार है वो संशोधन कर देगी, उसके बाद हम अगली लड़ाई है जो सेंटर गवर्नमेंट से लड़ेंगे। दो सरकारों की लड़ाई है, दोनों सरकारों ने ये मामला अटका रखा है। 7 साल में जिस प्रोजेक्ट को पूरा होना था, आज तक उसमें कील भी नहीं लगाई गई। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो कोई ये सोचता है ना कि सरकारें बदलने से कुछ हो जाता है, 1994 में एक समझौता हुआ था यमुना का, जिसमें अपना यमुना लिंक नहर का समझौता हुआ था, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली था। तो उसमें 4 जिले थे जो राजस्थान के थे, चूरू, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर। तो 1994 में जो समझौता हुई, यमुना का पानी कहीं आ गया था? कहीं भी नहीं आया ना। जब 30 साल में उस प्रोजेक्ट को भूल गए, तो 7 साल और निकल गए, 4-5 साल और निकल गए, तो लोग इस प्रोजेक्ट को भी भूल जाएंगे। इसलिए इसे जिंदा रखो, और अभी चुनाव का टाइम भी है, दोनों सरकारें दबाव में भी होंगी, इसलिए आप सब जिम्मेदारी से, अभी जितने भी लोग आए बहुत बहुत सबका धन्यवाद, और आप लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर भी आए, आपको ही ये खेती किसानी बचानी है, नहीं तो ये सरकारें और ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये संघर्ष करना भी भुला देंगे आपको। तो इसलिए हमारी सीधी सी मांग है कि राज्य सरकार हमारे जो छूटे नदी नाले बांध है उनको जोड़ दे, और केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाकर हमको चंबल का नहरी पानी उपलब्ध कराए। बहुत बहुत धन्यवाद।